जी जो लोग आज इस गाथा को श्रवण किए माता की गाथा को श्रवण किए सबको सब बुद्धि मिले सबका धर्म तार हो सबका जीवन सुखमय हो जीवन में पा सके हैं, लेकिन ये बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो अपने माता पिता का जन्मदिन को मनाते हैं। ये भाग्यशाली है हमारी माँ जो आज हमारे सामने बैठी है,
जिसके बच्चे उसका जन्मदिन अस्यत बेथले यानी एकत बेथले को मनाने के लिए ललायित हो चुके हैं। और माँ जो होती है, माँ का ममता जो है, उसकी छाया में किसी भी बच्चा कभी भी रुष नहीं हो सकता। माँ अपने ममता से कितने भी बच्चे रूठ जाए, लेकिन वो ममता से उन्हें कभी रुष नहीं देती है। ये ममता का, मातृभाषा का सबसे अटल नेम यही है। और वो बच्चे भाग्यशाली होते हैं जिनके पास में माता पिता का छाया होता है। आज हम चलते हैं आज आंगन में अपनी माँ यानी मौसी जो मेरी है, जिनका नाम सुगनावती है, स्वर्ग श्री राजकुमार की धर्मपत्नी है। और इसके साथ आज इसकी जीवन में अभी फिलहाल तीन भाई यहाँ पर मेरे समझ में बैठे हैं और एक विदेश में है, और माँ इधर मौसी है, उधर एक और मौसी बैठी है, इन भाइयों के साथ में भी है यहाँ पर। और अपने जीवन में इसकी जो 6-7 बेटे 3 बेटियां हैं और अनेक नाती पोता है, पर नाती पोता है, यानी कि इनकी बच्चों को बच्चे हैं और उनके भी बच्चे आज इस आंगन में प्रदानपन किए हैं अपने इस माँ अथवा आजी या नानी की जन्म दिवस मनाने के लिए। जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, क्या हम देखते जन्मदिन में, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में हम इसे बर्थडे या जन्मदिन को क्यों करते हैं, क्यों हम कहते हैं बार बार दिन जीवन तुम्हारा आते रहे और ये दिन आए खुशियों से भरा रहे। हम जीवन में आते हैं अपने जन्म लेकर और इस संसार को बैठा कर देखते हैं कि हम क्या क्या किए हैं, और समय आता है हम जन्मदिन को मनाकर इस बात को देखते कि जीवन में हम क्या पाए हैं। जैसे सामने रखा हुआ है बहुत सुंदर सा केक है, जो अभी हम अपने सनातन रीति रिवाज को छोड़ते हुए वेस्टर्न कल्चर में आ चुके हैं, जिस केक को काम में लाने लगे। हमारे सनातन रीति रिवाज में इस केक को नहीं काम में लाया जाता था, घी से पका हुआ, गेहूं का पका हुआ, सूजी का जो हलवा है उसे काम में लाया जाता, वही सनातन का रीति था। उसी प्रकार से जो केक है ये भी है, एक केक भी कई मिक्सरों से बना, कई चीजों को मिलाकर इसे एक बेकर ने बनाता है, उसे बहुत समय लगता है, करीबन 2-3-4 घंटे लग जाता है तब एक केक वो बेकर जो मिलाता है अनेक मिश्रणों से, जो हमारे जीवन की तरह है, जो हम अपने जीवन में अनेक चीजों से मिलाकर आज बने ना, उसी प्रकार एक केक है। और इस केक को बेकर ले जाकर जब ओवन में रखता है तो कहते हैं 360 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री सेल्सियस पर पकता है, और यदि ले जाकर माइनस से फ्रिज में रख दे 360 डिग्री में केक मेल्ट नहीं होगा, इसका स्वाद नहीं जाएगा, भले इसके ऊपर आइस आ जाएगा। हमारा जीवन यही है, हम जीवन में जो लक्ष्य पे चलते हैं हमें किसी भी प्रकार से कई काटनियों को सामना करना पड़े, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते। उसी प्रकार माँ ने अपने जीवन का लक्ष्य नहीं छोड़ी थी, आज भी अपने लक्ष्य पर अपने बच्चों को, अपने परिवार को समेट कर उसकी अपने ममता से सींच कर रखी है। यही जन्मदिन है, इसीलिए हम जन्मदिन मनाते हैं और देखते हैं, इस केक को काट कर इसके समाज को समर्पण करते हैं कि कितनी मीठी हमारी जीवन है। हम सोचते हैं कठिनाइयां जब पड़ जाते तो हम सोचते अरे क्यों ये जीवन हमें मिल चुका, नहीं नहीं नहीं, इसे केक को खाकर देखना। एक केक उस समय सोचा होगा कि क्यों मुझे इतने सत्कर्म पर रख दिया गया है, क्योंकि ये पक कर जाकर उस सवाल लेकर आया है। और जीवन में यदि हम कठिनाइयां नहीं पाएंगे तो जीवन का रस नहीं मिलेगा, ये जन्मदिन का सबसे सुंदर उपहार यही होता है। तो प्यारे श्रोतागण, आज माँ का ऐक्यत बेथले है, मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे सच्चिदानंद, हे पार ब्रह्म, आप इस माँ को अनेक खुशियां देना, इसकी जीवन की अनेक तरक्की पर इसे पहुंचाना और इसके जीवन में सदा खुशी और अपने आशीष में रखना कि माँ और दिन हमारे साथ में रह सके। जिस प्रकार से इन्होंने 80 वर्ष अपना बिता चुकी है, मेरे देखते देखते इस माँ को मैं देखते चला आया, मैं बहुत छोटा था जब से मैं इसके घर आंगन में आते जाते और इसे देखते हुए अपने जीवन को बिताया, कई चीजों को मैंने इन माँ से सीखा, इस घर से सीखा, और वो आज भी हमारे साथ में है। और आज हमें एक अवसर मिला कि मैं इस माँ का जन्मदिन पर आकर आपके समक्ष में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके बारे में बहुत अच्छा से जानता हूँ। ये अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा की, और आज वो बच्चे इतने योग हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े रहकर अपने माँ का जन्मदिन मना सकते हैं। धन्य भैया राकेश, आप
ईश्वर की अनुग्रह कृपा आप पर बना रहे कि आप जैसे पुत्र आप जैसे बेटा हर कोई माँ का नसीब में हो कि वो अपने माँ का जन्मदिन मना सके, उसके छत्र छाया में पल सके। इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं आज हम इस केक को काटने की विधि को आरंभ करें। माता जी उठ जाइए और उस केक को काटिए। अपने जीवन की संगीन सुंदर अनोखा रात की अनुभव कीजिए, जब आपके बच्चे आपके साथ में हैं और आपका डरना क्या है। इधर बच्चे हैं, बेटियां हैं, उधर बहू है, उधर नाती पोता है, अनेक सखी सहेली है, अनेक परिवार है, अनेक कोई तुझे सहारा देने के लिए आज खड़ा है। हे माँ अपने केक को काटिए। मैं सभी बेटों से आग्रह करूंगा कि अपने माँ के पास में बढ़ जाए, उसे केक खिलाकर आशीर्वाद दे। और मामा जी लोग से भी आग्रह करूंगा कि आइए अपने बहन को केक खिलाइए, उसे आशीर्वाद दीजिए कि आपके साथ में उसका जीवन संगीन हो सके और सुंदर हो सके। सब लड़का इधर है, पत्तों लोग उधर। लाया की छोड़ के लाया की छोड़ के जब तक ये बच्चे अपने माताओं का कई खड़ा रहे हैं और ये मामा जी लोग खुवाएंगे, तब तक मैं बात कह दूं आपसे कि आज एक रंगीन शाम है। बहुत सुंदर रामायण का पाठ यहाँ पर हुआ, जो जो उस समय प्रधान पर कर चुके होंगे तो इस बात के स्मरण किए होंगे कि माँ या माता का शक्ति क्या है। क्या अनुपम कथा था जो वो जब सती अपने प्राण को त्याग देती है, अपने पति का जो अपमान नहीं सह पाती है। कहते हैं हर पूर्व नारी का जीवन में एक कर्तव्य होता है कि पति की आज्ञा को माने, तभी वो हमेशा ठोकर खाने से बच जाएगी। और आज हम इस जगह इस आंगन में उन कलाकारों से स्मरण करूंगा कि जो भजन है जो आज यहाँ पर होगा, कहते हैं देवी भागवत की विस्तार होगा और बहुत सुंदर शब्दों में माँ का जन्मदिन के प्रति थे। आप देवी भागवत का जो प्रसंग है स्मरण कीजिए, शब्दों का लिहाज रखना, माँ का लिहाज रखना। इस आंगन में ऐसा कोई शब्द नहीं काम में लाना जो किसी के लिए अपमानजनक हो सके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप जो जो आज माँ को आशीर्वाद देना चाहते हैं आकर आगे बढ़िए और आशीर्वाद दीजिए माँ को और उससे आशीर्वाद लीजिए। जीवन में ऐसा दिन बहुत कम मानव के जीवन में आता है जो अपने माँ का जन्मदिन मनाते हो। इन्हीं शब्दों के साथ शायद मेरे बोलने में, समझाने में या किसी प्रकार से कुछ मेरे शब्दों में त्रुटियां हो गई हो तो अपने से छोटे समझकर मुझे क्षमा करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रिय रंजमंच में आ जाइए। और एक विशेष सूचना है, जो भैया चांद कुमार है उसके बेटा नवीन और उसकी बेटी अंजू जो विदेश में आज अपने आदि के जन्मदिन पर नहीं आ सके हैं, वो अपने आदि की तमाम शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की अनुग्रह कृपा उनकी आदि पर सदा बना रहे और जब वो विधि आए तो अपने आदि से मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूँ, दोनों कलाकार से रंजमंच पर पदार्पण कीजिए और अपने साज को टटनाने लगे और अपने आवाज को प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित हो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा प्रेम भरा जय श्री सीताराम आप सब। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये गाए।
बरार हो के दामन।